हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट के 1 मंथ में या 2 मंथ में पढ़ के नहीं होगा। हम सभी साइंस मैथ्स की ट्यूशन तो रख लेते हैं, लेकिन एसएसटी को हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं और वो ही हमारी परसेंटेज को डाउन कर देता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीनन आपके 95 से 100 मार्क्स के बीच में आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, और ये जो प्लानिंग है हमारी ये कई तरह से होगी। ईयरली प्लानिंग होगी एंड चैप्टर वाइज प्लानिंग। सबसे पहले ईयरली प्लानिंग। ईयरली प्लानिंग में हम क्या करेंगे, आप एक अपना रजिस्टर या कोई भी नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप टेबल बनाइए चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हमारे चैप्टर है 15 से 20। सपोज करिए जैसे एसएसटी में हमारा हिस्ट्री में आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें उसको आप फर्स्ट कॉलम में लिखिए। उसके बाद आप 5 कॉलम्स बनाइए रिवीजन के, रिवीजन 1, 2, 3, 4, 5। हमें पेपर से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए आपने हर एक चैप्टर 5 टाइम रिवाइज जरूर किया हो। जब एक रिवीजन हो जाएगी आप उसको टिक मार देना, सेकंड के बाद सेकंड को, ऐसे ही फिफ्थ को रिवीजन को आप टिक मार देना। उसके बाद हमारी जो दूसरी प्लानिंग होगी वो होगी हमारी चैप्टर वाइज प्लानिंग। कैसे चैप्टर वाइज प्लानिंग? आपको फ्रेंड्स किसी भी ऐसी एक्स्ट्रा बुक्स को फॉलो नहीं करना है ज्यादा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है क्योंकि सारा पेपर हमारा एनसीईआरटी में से ही आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको दोबारा फिर रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे। फिर आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें आप जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे अपने न्यू कॉपी पे लिखिए। शॉर्ट नोट्स के साथ अगर टाइमलाइन है, हिस्ट्री में कुछ डेट्स हैं तो वो भी आपको लिखनी पड़ेंगी। कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टाइमलाइन बनानी है, वो मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। उसके बाद जब आपकी रीडिंग हो जाएगी, राइटिंग हो जाएगी, आपको स्कूल से नोट्स मिल जाएंगे, तब आप अपने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू कीजिए। डेली आपको 5-7 5-7 क्वेश्चंस याद करने ही करने हैं। उसके बाद आप फोकस करिए अपना शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप फिर कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर रेफरेंस बुक बहुत अच्छी, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ऑल इन वन भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपको मन करे आप वो बुक ले सकते हैं। हमें बेसिकली वो बुक लेनी है कि हम के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं। आपको आंसर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ये देखना है एक क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, वो देखना है। उसके बाद अब मेन चीज क्या आ गई, हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 घंटा हमें एसएसटी को डेली देना ही देना है। जैसे आप साइंस को दे रहे हैं, मैथ्स को दे रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, आपको एसएसटी को देना ही देना है। ये आप मेक श्योर कर लीजिए, एटलीस्ट मतलब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक घंटा आपको देना ही देना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप एनसीईआरटी की बुक रीड करेंगे तो यू हैव टू अंडरलाइन एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि हमें आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया, शॉर्ट आंसर्स बहुत ज्यादा आते हैं और वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे डायरेक्ट के आपने समझ के कर लिए, नहीं, वो एक कोई भी लाइन पकड़ लेंगे उसमें से शॉर्ट बना देंगे, मतलब आपको लाइन टू लाइन आपके बुक को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो 7x7 फॉर्मूला। 7x7 फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि आपने जैसे अभी कोई भी एक चीज रीड कर ली, रात को जब सोएंगे आप उसको फटाफट एक क्विक रिवीजन देंगे, मींस ये 7 आ गए आपके फर्स्ट डे में, जिसमें जो चीज पड़ी है वो 7 आ गया। उसके बाद ये जो दूसरा 7 है ये हमारा आ गया 7 डेज वाला। जैसे आपने मंडे टू सैटरडे जो डेली चीजें पढ़ी हैं, जितना भी आपने टॉपिक्स डेली कवर किए हैं, उसको आपको संडे को रिवाइज करना ही करना है। अगर आपने ये 7 खो दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो शुरू के 7 डेज 6 डेज में जो वर्क किया है वो आप भूल जाएंगे। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है 7x7 का, जो आपको फॉलो करेंगे तो आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। देन माय नेक्स्ट पॉइंट इज डू रिटन प्रैक्टिस। जितना मैक्सिमम होगा आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आंसर लिख के देखना है, नहीं, जो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिख के देखने हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ऊपर से नीचे तक क्या कहानी आपने लिखी है। आपका जो मेन कीवर्ड है आप उसको लिखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे,
एग्जामिनर वो पढ़ेगा, देखेगा आगे पीछे का सब ठीक है, आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आप ये सब टिप्स फॉलो कीजिए तो आपको गारंटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ आप इनको फॉलो करें और पूरे नंबर लाएं। थैंक यू।